तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्त है प्रीतम। प्यारे किसान भाइयों, रवि फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मसूर, कुसुम, ये जो सभी फसलें हैं, छह फसलें, इनकी एमएसपी में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने लिया किसानों के हित में फैसला, रवि 2022-23 की छह फसलों में एमएसपी में बढ़ोतरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, जो गेहूं की अब जो आपकी फसल बिकेगी मंडी में, वो आपकी बिकेगी 2125 रुपये, क्योंकि इसमें 110 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको पता है जो पहले गेहूं का रेट था वो 2015 था, यानी 2015 रुपये, लेकिन अब आपकी जो गेहूं की फसल का रेट है वो 2125 रुपये कर दिया गया है, 110 रुपये की बढ़ोतरी इसमें हो गई है। जो की अगर बात करें तो 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 1735 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगा। चने की अगर बात करें तो 105 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 5335 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगा। अगर मसूर की बात करें तो बढ़ोतरी हुई है 500 रुपये की, 6000 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों, आपको पता है सरसों की बिजाई भी हमारे किसान बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे गेहूं की हो रही होती है, तो गेहूँ सरसों में 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आपको पता है कि जो सरसों का रेट था वो 5050 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन अब जो सरसों का एमएसपी रेट है वो 5450 रुपये कर दिया गया है, यानी 5450 रुपये। तो किसान भाइयों, इसमें भी बढ़ोतरी 400 रुपये की कर दी गई है। अब कुसुम की बात करें तो इसमें 209 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 5650 रुपये प्रति क्विंटल कुसुम की फसल अब हो गई है। तो किसान भाइयों, जो छह फसलें हैं इनमें बढ़ोतरी हुई है। मुख्य फसलों की बात करें तो यहाँ पर जो आप फसल देख सकते हैं, ज़्यादातर तो हमारे एरिया में तो गेहूं और सरसों की बिजाई यहाँ पर होती है, झज्जर ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन किसान भाइयों, फसलों की तो इन सभी की ही बिजाई सही होती है। तो किसान भाइयों, जो हमारे ये छह फसलें हैं इन सभी में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको मेरी फसल मेरा बेरा या फसल मंडी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसान भाइयों, अगर आपको भी कोई जानकारी पता हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। किसान भाई, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगे तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, आगे से आपको और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवाहर, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।